नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है और आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच भी तैयार है। और आज का ये शो, खास शो, दिल्ली से ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस से हम आपको बता रहे हैं कि दालों को लेकर क्या चर्चा हो रही है। लगातार हमने आपको बताया है और अगले आधे घंटे तक अलग अलग खबरों पर हम बात करेंगे, लेकिन आज की चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि एग्री फूड स्टार्टअप, जी हाँ, स्टार्टअप की बात आपने खूब सुनी होगी, लेकिन एग्री फूड स्टार्टअप में काफ़ी संभावनाएं हैं, कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है और इस पर कितनी तेज़ी से बातचीत आगे बढ़ रही है, काम हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं सुधाकर तोमर, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडिया मिडिल ईस्ट एग्री अलायंस के। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस को वक्त देने के लिए। और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि एग्री फूड स्टार्टअप के ऊपर बहुत बात हो रही है, आप इसको बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं ग्राउंड पे, आप जरा बताइए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री फूड स्टार्टअप में कितनी संभावनाएं हैं? देखिए मृत्युंजय जी, पहले तो मुझे बुलाने का और यहाँ पे मिलने का, इस अवसर का बहुत बहुत धन्यवाद। एग्री फूड स्टार्टअप, भारत जैसे देश जो कि एक खेती प्रधान और खाद्य प्रधान देश है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसमें आप ये समझिए कि अगर हम देखें पूरे एग्री टेक, एग्री फूड स्टार्टअप का जो एरिया है, उसको हम डिवाइड करते हैं कि खेती से पहले क्या हो रहा है, खेती के साथ क्या हो रहा है, खेती के बाद क्या हो रहा है, या उसके रिलेटेड से क्या इनोवेशंस हैं, या फूड सप्लाई चेन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो पूरा इतना ज़्यादा उसमें संभावनाएं हैं और इतनी ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, आप ये समझिए कि जिस देश में 68% मतलब 60-70% जो जनता है वो खेती और खाने की चीज़ों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जब तक आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपको खेती या खाने की चीज़ों की समस्याएं होती रहेंगी। अच्छा। तो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि खेती और फूड स्टार्टअप में प्रमोट करें, उसमें पैसा लगाएं और सब कुछ करें। काम हो रहा है ग्राउंड पे? बहुत काम हो रहा है। अच्छा, बहुत काम हो रहा है। बस खाली समस्या ये है कि इतना काम होने के बाद भी बहुत बड़ी कंपनी, हम लोग अपनी स्टार्टअप की लैंग्वेज में बोलते हैं कि कंपनी यूनिकॉर्न बनी कि नहीं बनी। यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो व्यवसाय है उसका वैल्यूएशन करीब $1 बिलियन या 8,200-8,400 करोड़ होना चाहिए, वो अभी नहीं हो रहा है। Okay. लेकिन ये ज़रूर होगा, बिकॉज मेरा ये मानना है कि खेती और खाद्य जो का जो व्यापार है, जो चीज़ है, वो हर हिंदुस्तानी के रूह रूह में बसा हुआ है, उसके खून में, उसके डीएनए में है। अच्छा। तो उसमें कुछ बहुत अच्छा आमूलचूल परिवर्तन बहुत ही जल्दी होने का मेरे को पूरी उसकी उम्मीद है। अच्छा, एक बात, चूँकि फंडिंग की बात हो रही है, फंडिंग को लेकर ये कहा जाता है एग्री फूड स्टार्टअप में कि फंडिंग विंटर, ये क्या है फंडिंग विंटर, कि मतलब कभी फंड मिलता है कभी नहीं मिलता है, ये क्या है? तो ये एक एग्री स्टार्टअप, सबसे पहले तो मैं एग्री स्टार्टअप बता दूं, एग्री स्टार्टअप एक नॉर्मल बिजनेस है। कैसे भाई, आप नई कंपनी खोलते हैं और एग्री स्टार्टअप, दोनों में फर्क क्या है? नई कंपनी खोलने में और एग्री स्टार्टअप में ये है कि एग्री स्टार्टअप थोड़ा सा जोखिम ज्यादा होता है उसके अंदर। अच्छा। या किसी भी स्टार्टअप में जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। उसमें एक नया आइडिया होता है, टेक्नोलॉजी का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, वो कोई चीज एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको पूरी बड़े स्केल में सॉल्व करती है, लेकिन उसी के साथ साथ उसमें फायदा भी ज्यादा होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब रही फंडिंग विंटर की बात, की वेंचर कैपिटल का मतलब है कि उसमें कुछ जोखिम है। तो फंडिंग विंटर में पिछले 3-4 साल में करीब $3-4 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुआ है। अच्छा। तो उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं किया है, तो और फिर आप ये देखें कि अभी जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में निवेशक ये भी देखता है कि उसका जो पैसा है कहाँ लगे, जहाँ पे ज्यादा उसको मुनाफा आए, तो पैसा मिलना जो है थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा। तो उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि पैसे मिलने का जो स्रोत है या पैसे मिलने का जो माहौल है वो जरूर कम हुआ है, लेकिन एक चीज मैं अपने दर्शकों के लिए, जो भी एग्री स्टार्टअप के लोग हैं या जो करना चाहते हैं या जो हमारे उद्यमी हैं, ठीक है, कि अच्छे आइडियाज के लिए अभी तक किसी भी फंडिंग विंटर का कुछ नहीं है। अभी देखिए मौसम अच्छा हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो अच्छे आइडिया का, अच्छे एंटरप्रेन्योर का और अच्छे स्टार्टअप के लिए फंडिंग विंटर की समस्या नहीं है हिंदुस्तान। अच्छा, मतलब हिंदुस्तान जो अच्छा स्टार्टअप है हमेशा मिलता रहेगा जी। लेकिन नहीं जी, अगर मैं आपसे पूछूं अपने किसान भाइयों के लिए जो एग्री के कारोबारी हैं उनके लिए, अगर कोई मान लीजिए एग्री स्टार्टअप में आना चाह रहा है, उनके लिए आपका सुझाव क्या है? उनके लिए तो हमारे देश में, भारतवर्ष में, मैं इंडिया मिडिल एग्री अलायंस से हूँ, तो
मिडल ईस्ट का और इंडिया का एक सेतु जैसा ये हम लोग काम करते हैं और काफ़ी सारा सपोर्ट, मेंटरशिप, टेक्नोलॉजी दोनों कंट्रीज़ के बीच में हम लोग एक्सचेंज कराते हैं। तो हिंदुस्तान में जो किसान है वो मेरा मानना है कि सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर है, सबसे बड़ा उद्यमी है। आप ये देखिए उसको पूरे अपने जीवन काल में 30-40 बिजनेस साइकिल मिलते हैं, उसमें उसको अच्छी तरह से काम करना होता है। तो एग्रीकल्चर में, खेती में एग्री एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्टअप की असीम संभावनाएं हैं, ठीक है, और सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम्स हैं। हाँ। इंटरनेशनल पैसा अभी मिलने का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में जो अग्री स्टार्टअप या एक्टेक या फूड स्टार्टअप में चाइना के बाद या इंडिया का नंबर एक या दो में है, अच्छा, तो बहुत संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं। आप कह रहे हैं कि एग्री स्टार्टअप में बहुत संभावनाएं हैं। बहुत शुक्रिया सुधाकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एग्री स्टार्टअप पर डिटेल में हमारे ऑडियंस को जानकारी देने के लिए। लेकिन पल्सेस को लेकर क्या चल रहा है ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल पल्सेस मार्केट का मूड माहौल क्या है, इस पर हमने बात की है विजय अयंगर साहब से, जो कि प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल पल्सेस फेडरेशन के। दुनिया भर के 50 देशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, 50 देशों के साथ इंटरेक्शन हुआ है। तो ग्लोबल पल्सेस मार्केट में क्या चल रहा है, डिमांड सप्लाई की सिचुएशन क्या है, इस पर जीपीसी के प्रेसिडेंट विजय अयंगर ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, हमारे साथ है जीपीसी यानी ग्लोबल पल्सेस फेडरेशन के चेयरमैन विजय अयंगर साहब। विजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक पल्सेस को लेकर बहुत चर्चा हो रही है इंडिया में भी, डिमांड सप्लाई की बात हो रही है, आपके हिसाब से इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त डिमांड सप्लाई का सिनेरियो अगर आप बता पाएं या जो आपके कॉन्फ्रेंस में निकल के आया है अगर आप ये शेयर कर पाएं। नहीं, इंडिया में भी यही उम्मीद है कि सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, 2027 का इन्होंने टारगेट रखा है, तो ये अच्छा है दुनिया के लिए, क्योंकि हम यही तो हम प्रोपेगेट कर रहे हैं कि पल्सेस कंजम्पशन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ, और उस तरीके से पल्सेस पे अटेंशन भी होगा और दूसरा किस्म की समस्या जो दुनिया में है वो थोड़ा हल होने का थोड़ा उम्मीद है। ओके, इंडिया में पल्सेस का प्रोडक्शन पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और हम ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, अगर थोड़ा बहुत कहीं कहीं बीच बीच में प्रॉब्लम आता है वो अलग मुद्दा है। तो आपको लगता है कि अभी इंडिया में और पोटेंशियल है पल्सेस प्रोडक्शन बढ़ाने का? जरूर पोटेंशियल है, क्योंकि यील्ड बढ़ सकता है, अच्छा तरीके से सीड्स यूज करेगा, थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जरूर पोटेंशियल है। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ग्लोबल मार्केट को लेकर, ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो इस वक्त पल्सेस को लेकर क्या है, ग्लोबली क्या डिमांड के मुकाबले सप्लाई ठीक ठाक है ग्लोबल मार्केट में या कुछ शॉर्टेज आपको ग्लोबली दिख रहा है? नहीं, ग्लोबल मार्केट में ठीक तरीके से फाइनली बैलेंस्ड है, सप्लाई और डिमांड में कोई शॉर्टेज कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। चलिए, और डोमेस्टिक मार्केट में, घरेलू बाजार में दाल की कीमतें, दाल की सप्लाई को लेकर क्या सिचुएशन है, इस पर आपको सुनाते हैं स्टार एग्री बाजार के एमडी अमित मुंडेवाला ने क्या कहा है, ये सुनिए। हमारे साथ हैं स्टार एग्री बाजार के एमडी अमित मुंडेवाला जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। दालों का एक बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आपकी स्टार एग्री एक बड़ी कंपनी है, दालों के सप्लाई मैनेजमेंट को आप लोग बड़ा अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, क्या लगता है आपको दालों में ओवरऑल डिमांड के मुकाबले सप्लाई के क्या हालात हैं? सर, अभी पिछले अगर 12 से 6 महीने के बीच में देखेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे कैरी फॉरवर्ड्स थे कंट्री के अंदर, काफ़ी बड़ा कैरी फॉरवर्ड था जो अभी हमने काफ़ी हद तक कंज्यूम कर लिए हैं, और अगला ये एक महीना काफ़ी हमारे कंट्री लिए सेंसिटिव है कि सोइंग की कवरेज अच्छी है, वेदर कंडीशन कैसी सपोर्ट करती है, और अभी हार्वेस्टिंग के टाइम में क्रॉप कैसी उतरेगी वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, और अभी रिसेंटली जैसे गवर्नमेंट ने येलो पी की परमिशन दी है वो हमारे लिए बड़ा एक हेल्पफुल रहा है कि 10-11 लाख टन येलो पी कंट्री में आ जाए, उससे प्राइस स्टेबलाइज हुआ है। बट चने के लिए, फार्मर्स के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस बहुत बेटर रहने वाले हैं और फार्मर्स को एक अच्छी यील्ड के हिसाब से प्राइस बेटर मिलेंगे कंट्री के अंदर में, तो एक ये अच्छी बात है। और फिर लास्ट 5-6 साल से अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे हम 2016 में खड़े थे और आज इंडिया की पोजीशन, सो वी आर ऑलमोस्ट लाइक सेल्फ रिलायंट, तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है, और अगर प्राइस अगर बेटर अपफ्रंट ट्रेंड पे रहते हैं तो फार्मर को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा सोइंग, आगे फर्दर सोइंग इंक्रीज करने के लिए, तो हम कुल मिला के मेरे को ऐसा लगता है कि हम जो है टोटल पॉजिटिव ट्रेंड पे हैं। तो ये आपने सुना दालों को लेकर क्या सिचुएशन है, लेकिन अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। हमारे साथ मनोज जैन साहब हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के प्रथमेश माल्या हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। जैन साहब, पहला सवाल गोल्ड को लेकर, गोल्ड में क्या लग रहा है आपको, क्या आज करना चाहिए गोल्ड में? नमस्कार मृत्युंजय जी, अगर हम सोने की बात करें तो एक बहुत ही सीमित दायरे में गोल्ड जो है वो फंसा हुआ है, और हमने कल एक निचले स्तरों से सपोर्ट जरूर आते हुए देखे थे,
लेकिन अभी भी हमारा मानना है कि 61,600-650 ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहेगा, और शाम के सत्र में जो यूएस के डेटा आना है रिटेल सेल्स के, वो यहाँ पे कुछ डायरेक्शन जो है देते हुए नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर एक बार 61,600 डेटा के पहले आता है तो लॉन्ग की पोजिशन में मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा डीप का वेट करना चाहिए, 61,200 से 61,600 का रेंज यहाँ पे नजर आता है। अच्छा माल्या जी, आपका क्या व्यू है टेक्निकल चार्ट पर, आपको कैसा दिख रहा है गोल्ड? मुझे भी 61,200 और 61,600 ये रेंज में गोल्ड में मूवमेंट दिख रही है। 61,400 के आसपास बाय करना चाहिए, 200 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में टारगेट 61,700। अच्छा चांदी पर मनोज जी क्या व्यू आपका, सिल्वर में कोई ट्रेड लें या दूर रहे अभी? चांदी में जो $22 का सपोर्ट लेवल बना हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, हमने लगभग उसी स्तर से एक रिवर्सल आते हुए देखा है, तो यहाँ पे चांदी में जो थोड़ी बढ़त है वो एक्सटेंड हो सकती है। डेटा के समय अगर थोड़ा डिप मिलता है 70,200-300 के आसपास, तो वहाँ पे बाय करके चलना चाहिए 69,850 के स्टॉप लॉस से। हमारा मानना है कि 71,200 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर, इस पर आप नजर रखें। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप अपने सवाल तैयार रखें, हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं, ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से जुड़ रहे हैं, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर मेरे पास ग्वार सीड 5,555 रुपए के पड़े हैं फिजिकल में, क्या करना चाहिए? 5,455 पे आपने फिजिकल में लिया हुआ है, क्या करें मनोज जी, ग्वार में बने रहना ठीक है अभी? बहुत ही दायरे का कारोबार है मृत्युंजय जी, फिजिकल में है तो रख सकते हैं, अगर फ्यूचर में है तो मेरा मानना है कि 5,450 ही एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। फिजिकल में है तो अभी 2-3 महीने के लिए रख सकते हैं, जब मानसून की यहाँ पे आमद होगी तो उस समय एक वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, उस समय कीमतें फिर एक बार 57,800 तक जा सकती है। ओके, अगला सवाल है शांति भाई का, पूछिए शांति भाई। कांति भाई है, पूछिए कांति भाई। नीचे में नीचे कहाँ तक आ सकता है? क्या कौन सी कमोडिटी? गोल्ड नीचे में कहाँ से कहाँ आ सकता है? अच्छा, गोल्ड नीचे में कहाँ से आ सकता है बताइए माल्या जी, कहाँ तक आ सकता है? 60,000 पे बेस बनते हुए दिख रहा है और पॉसिबिलिटी है वहां पे वहां तक आने की और वहां से सस्टेन होने की, तो आप अगर टिप्स का वेट कर रहे हैं तो 60,000 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही। ओके ठीक है, नेक्स्ट कॉलर अमित है दिल्ली से, पूछिए अमित जी। सर मैं पूछ रहा हूँ क्या सिल्वर जो है मेरे 71,200 पे 3 लोट बाए हैं, तो क्या ये कटान से पहले ऊपर आ सकते है, रेट आ सकता है? 71,300? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है, बताइए मनोज जी क्या व्यू आपका इनके लिए? बिल्कुल आ सकता है, एक बार 71,200 शाम के सत्र में भी आ सकता है डेटा के चलते, और एक्सपायरी के पहले हमारा मानना है कि एक बार 71,700-71,800 वो इस तरह आ सकते हैं, वहां पे एक बार इनको लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई, इस पर आप नजर रखें। चलिए आगे बढ़ते, राकेश हैं फरीदाबाद से, पूछिए राकेश जी। सर मैंने 6,400 की क्रूड लिया हुआ है, 6,400 में क्रूड लिया हुआ है सर, उसमें क्या करना चाहिए? 6,400 के भाव पर आपने क्रूड में बाइंग की है, माल्या जी क्या क्रूड में अभी बाइंग में लॉन्ग में रहना ठीक है? डिमांड साइड कंसर्न्स है क्लियरली, और यहाँ पे क्रूड और नीचे गिरने की उम्मीद रह सकते हैं, 6,150 तक नीचे गिरावट आ सकती है, तो आपकी पोजीशन आप रिवर्स कर सकते हैं, और सेल पोजीशन में मेरे ख्याल से आपको ज्यादा बेनिफिट की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही। ओके ठीक है, तो ये रहा। अच्छा नेक्स्ट कॉलर राजस्थान से आ रहा है, पूछिए। नमस्कार, पूछिए। धीरे पर मेरे को राय दीजिए सर। जी किस पर? जीरे पर, तुम्हें चाहिए जीरे पर आपको राय चाहिए, मनोज जी बताइए जीरे में क्या मार्केट बॉटम आउट हो रहा है, गिरावट थमने वाली है या अभी बाकी है?
गिरावट अभी बाकी है मृत्युंजय जी, पर काफी ओवरसोल्ड जोन में है और 24,700 टेक्निकली एक अच्छा सपोर्ट है और आज वही सपोर्ट लेवल से हमने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आते हुए देखा है, तो ये एक बार 26,500 26,800 तक का रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, तो वहां पे एक बार लॉन्ग से निकलने की ही सलाह रहेगी। अभी जो है मंदी पूरी तरह से जीरे की खत्म नहीं हुई है। अच्छा, मंदी जीरे की खत्म नहीं हुई है, ओके, इस पर आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और मेटल की बात करते हैं। माल्या जी, आज के लिए मेटल में कोई पिक? मेरे ख्याल से अच्छा करेक्शन आ चुका है। स्पेसिफिकली कॉपर की बात करें, 700 के आसपास स्टेबल होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे ट्रेड पर्सपेक्टिव ने 707 पे बाई करना चाहिए कॉपर का, फरवरी वायदा 704 का स्टॉप लगाना चाहिए, ऊपर में टारगेट 715 के रखने चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉलर राजेंद्र है हिसार से, पूछिए राजेंद्र जी। सर 61,210 में 3 गोल्ड बाय हैं, क्या एसएल रखूं और क्या टारगेट रखूं? किस भाव पर बाय हैं? 61,210 पे 61,210 पर आपने गोल्ड बाय किया है, राइट? ठीक है, तीन लॉट आपने बाय किया है। मनोज जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए? 61,300 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए और शाम के सत्र में 61,600 आए तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर मनीष है दिल्ली से, पूछिए मनीष जी। सर मैंने नेशनल गैस बाय किया हुआ है 145 पे, क्या करना चाहिए इसको? 145 पे आपने एनजी में बाइंग किया, हालांकि भाव से भी नीचे आ गया, बहुत टूटा है मार्केट, 25-30% दाम गिर गए हैं एक महीने में, क्या करें माल्या जी नेचुरल गैस में अभी? वैसे तो काफी ओवरसोल्ड जोन में है, पॉसिबिलिटी है आज के या कल के सत्र में एक ही बार में आपको इनके जो भाव है 145-147 तक एक बार रिवर्सल होते दिख सकता है, बट बिकॉज ट्रेंड वीक है मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा पोजिशन लेने की सलाह नहीं दूंगा। नीचे अगर गिरता है ये तो शाम के सेशन में ही आज 118-120 तक गिरने की पॉसिबिलिटी है, और बेटर है कि ऑप्शंस में ट्रेड करें, उसमें भी काफी अच्छी वॉल्यूम और वोलेटिलिटी है, फ्यूचर्स में पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड ना करें इस पर्टिकुलर अकाउंट। ओके, अगला सवाल मुखर्जी है, मिस्टर मुखर्जी है, अच्छा लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मनोज जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ टर्मरिक को लेकर, टर्मरिक में क्या लग रहा है? हाँ, टर्मरिक भी यहाँ पर मृत्युंजय जी एक दायरे में बना हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से अच्छे सपोर्ट जो है बार बार टर्मरिक लेता हुआ नजर आ रहा है। आज 15,000 के ऊपर हमने कीमतों को सस्टेन भी होते हुए देखा है, तो हमारा मानना है कि थोड़ी बढ़त एक्सटेंड हो सकती है और 15,750-15,800 कल तक के सेशन में फिर एक बार देखने को मिल सकता है, तो 15,000 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी 14,720 के स्टॉप लॉस से, ऊपर में 15,800 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, महावीर है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए महावीर जी। नमस्ते सर। हेलो जी, मनोज जी से सवाल है सर, 61,200 पे गोल्ड बाय किया हुआ है तो स्टॉप लॉस बताएंगे जरा? गोल्ड में बाय किया आपने? हाँ जी, 61,200 पर आपकी बाइंग है, स्टॉप लॉस आप जानना चाहते हैं, बताइए कहाँ लगा है स्टॉप लॉस माल्या जी? इनका सवाल एक्चुअली मनोज जी से है, तो हाँ मनोज जी बताएं। जी मनोज जी बताएं। बिल्कुल 61,300 पे जो पहले भी जो कॉलर्स थे वो मैंने सजेस्ट किया था कि 61,300 पे के स्टॉप लॉस लगा लें और 61,600-650 के रेंज में शाम के सत्र में एक बार मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। ठीक है, अगला सवाल हनुमंत का है, पूछिए हनुमंत। हाँ हेलो सर, प्रतिवेश माले से सवाल है, जी, कल क्रूड का एक्सपायरी है, एक्सपायरी कौन सा रेट में हो सकता है? क्रूड की एक्सपायरी किस रेट पे हो सकती है बताइए माल्या जी? नीचे की गिरावट उम्मीद कर सकते हैं आप एक्सपायरी के पहले ही, और पॉसिबिलिटी है 6,200 तक नीचे गिरावट। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया माल्या जी आपका, मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।